चैप्टर फोर्थ ऑफ एनसीईआरटी क्लास एट इंग्लिश टेक्स्ट बुक हनीबी। आज हम हनीडू बुक का फोर्थ चैप्टर विपिन चौधरी लैप्स ऑफ मेमोरी का पार्ट थर्ड देखेंगे। इससे पहले हम पार्ट फर्स्ट और सेकंड देख चुके हैं। पार्ट फर्स्ट और सेकंड में हमने क्या देखा था कि परिमल घोष बहुत ज्यादा ट्राई कर रहे थे विपिन बाबू को रांची ट्रिप के बारे में याद दिलाने की, लेकिन विपिन बाबू को कुछ भी याद नहीं आ रहा था। परिमल घोष ने यह भी बताया था कि वहां पे उनके साथ दिनेश मुखर्जी भी थे, और विपिन बाबू ने भी ट्राई किया कि दिनेश मुखर्जी से कंफर्म किया जाए, क्योंकि परिमल घोष की बातें उनको बहुत ज्यादा परेशान कर रही थी, बार बार उनके माइंड में वही बातें घूम रही थी। तो विपिन बाबू ने कॉल किया दिनेश मुखर्जी को, और दिनेश मुखर्जी ने कंफर्म कर दिया कि विपिन बाबू रांची गए थे। ये सुनने के बाद उनकी टेंशन और ज्यादा बढ़ गई। उनके टिफिन बॉक्स में जो सैंडविचेस थे उन्होंने वो भी नहीं खाए, क्योंकि उनकी भूख मर गई थी, बहुत ज्यादा टेंशन हो गई थी। अब हम देखते हैं इसका पार्ट थर्ड कि आगे क्या हुआ, क्या उन्होंने और भी लोगों से कंफर्म किया या उनको याद आ गया रांची ट्रिप के बारे में। आफ्टर लंच टाइम विपिन बाबू रियलाइज दैट ही कुडंट पॉसिबली कैरी ऑन सिटिंग एट हिज डेस्क एंड वर्किंग। लंच के बाद विपिन बाबू को रियलाइज हुआ कि वो अपनी डेस्क पर बैठकर आगे वर्क को कंटिन्यू नहीं कर सकते थे, कैरी ऑन नहीं कर सकते थे, क्योंकि माइंड में बहुत ज्यादा टेंशन थी। This had never happened in the 25 years he had been with the firm. 25 years से वो इस firm में, इस company में काम कर रहे थे, लेकिन उनके साथ ऐसा कभी नहीं हुआ। He had a reputation for being a tireless, conscientious worker, but today his head was in a whirl. उनकी जो image थी, वो जो reputation थी उनकी firm में, वो बहुत ही एक perfect और careful person, sincere, dedicated person के worker के firm में उनकी जो image थी, और आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि उन्होंने कोई मिस्टेक की हो या कुछ वो भूले हो। बट टुडे हिज हेड वाज इन अ व्हर्ल। हेड वाज इन अ व्हर्ल यहाँ पे एक इडियम है, जैसे हिंदी में मुहावरे होते हैं उस तरीके से। तो यहाँ पे इसका मीनिंग कंफ्यूज एंड अनेबल टू थिंक क्लियरली, यानी उनका सिर चकरा रहा था, वो बहुत ज्यादा कंफ्यूज थे, कुछ भी क्लियरली सोचने के लायक नहीं थे। तो इसी वजह से उनका काम में बिल्कुल मन नहीं लग रहा था, उनकी टेंशन भी बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। बैक होम एट 2:30 विपिन बाबू लेट डाउन इन द बेड एंड ट्राई टू गैदर हिज विट्स टूगेदर। गैदर हिज विट्स टूगेदर यहाँ पे फिर से इडियम है, ये भी एक मुहावरा है, और इसका मीनिंग होता है मेक एन एफर्ट टू बिकम काम एंड थिंक क्लियरली। अपने विट्स को एक साथ इकट्ठा करना, मतलब यहाँ पे एफर्ट करना, ट्राई करना कि शांत रह के कॉन्सेंट्रेट करके कुछ सोचने की कोशिश की जा रही है। तो यहाँ पे विपिन बाबू बेड पे लेट के और पूरी ट्राई कर रहे हैं कि अपने माइंड को बिल्कुल शांत रख के कॉन्सेंट्रेट करके वो याद करें, सोचें कि आखिर ये सब क्या हो रहा है, उनके याद क्यों नहीं आ रहा है। He knew that it was possible to lose one's memory through an injury in the head, but he didn't know of a single instance of someone remembering everything except one particular incident and a fairly recent and significant one at that. विपिन बाबू लेट के यहाँ पे सोच रहे हैं और ये भी याद कर रहे हैं कि किसी के हेड पे अगर इंजरी हो, कोई लग जाए, तो हाँ एक किसी की मेमोरी जा सकती है, लेकिन उनको एक भी एग्जांपल, एक भी इंस्टेंस मींस एग्जांपल याद नहीं आ रहा था किसी भी पर्सन का, कि कोई ऐसा पर्सन जिसको सब कुछ याद है लेकिन सिर्फ एक पर्टिकुलर इंसिडेंट ही याद नहीं है। तो ऐसा तो कोई पर्सन उन्होंने कभी देखा नहीं, कभी उनको याद भी नहीं आ रहा था कि ऐसा कोई इंसान हो जिसको सब कुछ याद है और सिर्फ एक ही इंसिडेंट याद नहीं हो, तो ऐसा कैसे हो सकता है। और जो इंसिडेंट है वो भी बहुत ज्यादा पुराना नहीं है, वो भी रिसेंट का इंसिडेंट है और वो भी इम्पोर्टेंट है, यानी कुछ सालों पहले की इवेंट, वो भी इतनी इम्पोर्टेंट इवेंट कौन भूल सकता है। He had always wanted to go to Ranchi, to have gone there, done things and not to remember was something utterly impossible. वो ये याद कर रहे हैं कि हाँ वो रांची तो हमेशा जाना चाहते थे, लेकिन वहां पे चले गए और इतना सब कुछ हो गया, इतनी चीजें हो गई और उनको याद नहीं, ये तो बिल्कुल इम्पॉसिबल है, यानी ये तो बिल्कुल एब्सोल्युटली इम्पॉसिबल है कि वहां चले गए, इतनी सारी बातें हो गई और याद ही नहीं आ रहा है। At 7:30 विपिन बाबू सर्वेंट केम एंड अनाउंस्ड चुन्नी बाबू सर सेज इट्स वेरी इम्पोर्टेंट। 7:30 पे शाम को विपिन बाबू के सर्वेंट आते हैं और क्या बोलते हैं कि चुन्नी बाबू आपसे मिलने आए हैं, और क्या कह रहे हैं कि बहुत ही इम्पोर्टेंट काम है, यानी विपिन बाबू के सर्वेंट आके बोलते हैं कि चुन्नी बाबू मिलने आए हैं और बहुत ही इम्पोर्टेंट काम है आपसे। विपिन बाबू न्यू व्हाट चुन्नी हैड कम फॉर। अभी चुन्नी लाल कौन है हम देखते हैं। चुन्नी लाल हैड बीन एट स्कूल विद हिम। He had been having a rough time lately and had been coming to see him about a job. Vipin Babu knew it was not possible to do anything for him and in fact told him so. But Chunni kept turning up like a bad penny. Vipin Babu जानते थे कि चुन्नी लाल क्यों आए हैं। चुन्नी लाल विपिन बाबू के साथ स्कूल में थे, तो हम यह कह सकते हैं कि चुन्नी लाल विपिन बाबू के चाइल्डहुड फ्रेंड थे और वो स्कूल में साथ ही पढ़ते थे,
लेकिन चुन्नीलाल की लाइफ में रफ टाइम था। रफ टाइम यहाँ पे मतलब उनकी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम चल रही थी और इसी वजह से वो बार बार मिलने आते थे विपिन बाबू से, क्योंकि वो चाहते थे कि विपिन बाबू उनके लिए एक जॉब अरेंज कर दे। वो विपिन बाबू से हेल्प चाहते थे और वो चाहते थे कि एक जॉब मिल जाए और विपिन बाबू जॉब ढूंढने में हेल्प कर दे। लेकिन विपिन बाबू जानते थे कि ये पॉसिबल नहीं है उनके लिए कुछ भी करना, और पहले ही उनको बता भी चुके हैं, यानी विपिन बाबू चुन्नीलाल को कई बार बता चुके हैं कि मैं तुम्हारी कोई हेल्प नहीं कर सकता। लेकिन फिर भी चुन्नीलाल वहां पे बार बार आ जाते हैं। टर्निंग अप लाइक ए बेड पेनी भी एक मुहावरा एक इडियम है, इसका मीनिंग होता है अपीयरिंग एट ए प्लेस वेयर वन इज नॉट वेलकम, यानी जहां पे आपको वेलकम नहीं किया जा रहा है, जहां पे आपकी रेस्पेक्ट नहीं हो रही है, वहां पे बार बार जाना। तो एक बेड पेनी की तरह, खोटे सिक्के की तरह बार बार आना। तो चुन्नीलाल को कई बार बताने के बाद भी कि मैं आपकी हेल्प नहीं कर सकता हूँ, वो विपिन बाबू से बार बार मिलने चले जाते थे। तो है तो वो चाइल्डहुड फ्रेंड और स्कूल में साथ ही पढ़ते थे और वो चाहते थे कि विपिन बाबू उनके लिए एक जॉब अरेंज कर दें, लेकिन विपिन बाबू ने उनको साफ मना कर दिया कि वो उनके लिए कुछ नहीं कर सकते हैं। फिर भी वो बार बार मिलने आते। विपिन बाबू सेंड वर्ड दैट नॉट ओनली वॉज इट नॉट पॉसिबल फॉर हिम टू सी चुन्नीलाल बट नॉट इन सेवरल वीक्स। विपिन बाबू ने वर्ड सेंड किए, वर्ड सेंड वर्ड मीनिंग मैसेज दिया। विपिन बाबू ने अपने सर्वेंट को क्या कहा कि उनको मैसेज दे दो कि वो अभी चुन्नीलाल से नहीं मिल सकते हैं, और सिर्फ अभी नहीं, वो सेवरल वीक्स तक, बहुत सारे वीक्स तक भी उनसे नहीं मिल सकते हैं। यानी उनको कह दे कि वो यहाँ नहीं आए, मैं उनसे नहीं मिल सकता। बट एज सून एज द सर्वेंट स्टेप्ड आउट ऑफ द रूम इट स्ट्रक विपिन बाबू दैट चुन्नी माइट रिमेंबर समथिंग अबाउट द 58 ट्री। देयर वाज नो हार्म इन आस्किंग हिम। जैसे ही सर्वेंट ने अपना जो स्टेप को बाहर निकाला, अपने कदम को रूम से बाहर निकाला, क्योंकि वो मैसेज देने जा रहा था विपिन बाबू का चुन्नीलाल को, लेकिन उसी टाइम विपिन बाबू के माइंड में एक थॉट आया, एक आइडिया आया कि चुन्नीलाल को जरूर कुछ ना कुछ याद होगा 58 ट्रिप के बारे में, क्योंकि चुन्नीलाल बचपन का फ्रेंड है, बार बार वहां पे आते हैं, तो जरूर 58 ट्रिप के बारे में जरूर याद होगा। और देयर वाज नो हार्म इन आस्किंग हिम, उनसे पूछने में कोई नुकसान भी नहीं है, एक बार पूछने में क्या जाता है। विपिन बाबू हरेड डाउन द स्टेयर्स एंड इनटू द लिविंग रूम। चुन्नी वाज अबाउट टू लीव बट सीइंग विपिन बाबू अपीयर ही टर्न्ड अराउंड होपफुली। विपिन बाबू जल्दी से सीढ़ियों से उतरे और लिविंग रूम में गए जहाँ पे चुन्नीलाल खड़े थे। चुन्नीलाल जो थे वो जाने ही वाले थे, लेकिन विपिन बाबू को देखकर उनको कुछ होप जगी और वो जल्दी से टर्न अराउंड, उन्होंने पीछे मुड़ के देखा, उनको लगा विपिन बाबू मिलना है, इसका मतलब कुछ ना कुछ होप है, वहां कुछ उम्मीद है, हो सकता है वो कुछ हेल्प कर दें। विपिन बाबू डिडंट बीट अबाउट द बुश, डिडंट बीट अबाउट द बुश ये भी एक एडियम है। बीट अबाउट द बुश का मतलब होता है घुमा फिरा के बातें करना, तो यहाँ पे वो घुमा फिरा के बातें नहीं करना चाहते थे, केम स्ट्रेट टू द पॉइंट, वो पॉइंट पे सीधा आने वाले थे विपिन बाबू, तो उन्होंने कुछ भी एक्स्ट्रा बात नहीं की, वो सीधे पॉइंट पे आ गए और उन्होंने क्या कहा, लिसन टू मी, आई वांट टू आस्क यू समथिंग, यू हैव अ गुड मेमोरी एंड यू हैव बीन सीइंग मी ऑफ एंड ऑन फॉर अ लॉन्ग टाइम, जस्ट थ्रो योर माइंड देयर एंड टेल मी डिड आई गो टू रांची इन 58। उन्होंने सीधे पॉइंट पे आके बात किया कि उन्होंने कहा सुनो चुन्नी, मैं तुमसे कुछ जानना चाहता हूँ, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ, तुम्हारी बहुत अच्छी मेमोरी है और तुम मुझे बहुत टाइम से देखते आ रहे हो, मतलब तुम अक्सर मिलने आते ही हो, तुम मुझे जानते हो और तुम मुझे अक्सर देखते ही हो, तो तुम अपने माइंड को पीछे की तरफ ले जाओ, थ्रो योर माइंड बैक का मतलब होता है कि रिकॉल करो पास्ट इवेंट को, एक पास्ट इवेंट को याद करना है आपको और अपने माइंड को वापिस से फ्लैशबैक में ले जाओ। क्या याद करना है कि डिड आई गो टू रांची इन 58, क्या मैं रांची गया था 58 में। चुन्ने से 58, इट मस्ट हैव बीन 58 और वाज इट 59। चुन्ने ने कहा 58, हाँ ये 58 ही होगा या ये 59 होगा, आई थिंक यू आर श्योर दैट आई डिड गो टू रांची। विपिन बाबू ने कहा क्या आपको पक्का यकीन है, तुम श्योर हो कि मैं रांची गया था। चुन्नेस लुक ऑफ अमेजमेंट वॉज नॉट अनमिक्स विथ वरी, चुन्ने के फेस पे सरप्राइज के एक्सप्रेशन आ गए, अमेजमेंट के, सरप्राइज के, लेकिन साथ में वरी के भी थे, यानी टेंशन भी थे। टेंशन और सरप्राइज दोनों के मिक्स्ड एक्सप्रेशन चुन्नीलाल के फेस पे दिखाई दे रहे थे। दे डू यू मीन हैव डाउट्स अबाउट ये हैविंग गॉन एट ऑल, अब वो यहाँ पे सरप्राइज होके कह रहे हैं कि क्या आपको डाउट है कि आप रांची गए थे कि नहीं गए थे। डिड आई गो, डू यू रिमेम्बर क्लियरली, विपिन बाबू कह रहे हैं कि मैं सही में गया था, तुम्हें पक्का याद है, तुम्हें क्लियरली याद है। चुन्नी सेट डाउन ऑन द सोफा, चुन्नीलाल सोफा पे बैठ गए। फिक्स विपिन बाबू विद ए लॉन्ग हार्ड स्टेयर, बहुत देर तक विपिन बाबू को देखते रहे और स्टेयर करते रहे, घूरते रहे। विपिन हैव यू टेकन टू ड्रग्स और समथिंग, विपिन तुमने कोई ड्रग्स ले लिया या कुछ और ले लिया। एज फार एज आई नो यू हैड ए क्लीन रिकॉर्ड वेयर सच थिंग्स वर कंसर्न,
तो मुझे याद है तुम्हारा रिकॉर्ड बिल्कुल क्लियर है, मतलब इस तरीके की कोई ड्रग्स वगैरह तुम लेते नहीं हो और ना तुम इस तरीके की इवेंट्स को भूलते हो। आई नो दैट ओल्ड फ्रेंडशिप डोंट मीन मच टू यू, मैं जानता हूँ कि पुरानी दोस्ती का तुम्हारे लिए कोई मतलब नहीं है, बट एटलीस्ट यू हैड अ गुड मेमोरी, लेकिन तुम्हारी मेमोरी तो बहुत अच्छी है। यू कांट रियली मीन दैट यू हैव फॉरगॉटन अबाउट द राजू ट्रिप, तुम्हारा कहीं ये मतलब तो नहीं है, तुम ये तो नहीं कहना चाह रहे कि तुम राजू ट्रिप के बारे में भूल गए। तो यहाँ पे चुन्नीलाल ने भी कन्फर्म कर दिया कि वो रांची गए थे और चुन्नीलाल को टेंशन हो गई कि ये कैसे भूल गए, और उन्होंने कहा कि हाँ तुम्हारी दोस्ती का तो कोई मतलब नहीं है लेकिन तुम्हारी मेमोरी तो अच्छी है। ऐसा क्यों कहा उन्होंने कि दोस्ती का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि विपिन बाबू ने अभी तक उनकी कभी कोई हेल्प नहीं की और वो हमेशा हेल्प के लिए बार बार आते रहते थे। विपिन बाबू हैड टू टर्न अवे फ्रॉम चुन्नीस इनक्रेडियस स्टेयर, और विपिन बाबू जिस तरीके से वो उनको घूर के देख रहे थे अनबिलीवेबल तरीके से, विपिन बाबू को मन कर रहा था कि मैं टर्न अवे कर लूं, यानी यहाँ से चला जाऊं या मुंह फेर लूं। डू यू रिमेम्बर व्हाट माय लास्ट जॉब वाज, आप चुन्नीलाल, अब चुन्नीलाल विपिन बाबू से पूछ रहे हैं उनको चेक करने के लिए, उनकी मेमोरी को चेक करने के लिए, क्योंकि आपको पता है मेरी लास्ट जॉब क्या थी, यानी मैं क्या काम करता था पहले। ऑफ कोर्स यू वर्क इन अ ट्रेवल एजेंसी, उन्होंने कहा हाँ मुझे अच्छी तरह याद है तुम ट्रेवल एजेंसी में काम करते थे। यू रिमेम्बर दैट एंड यू डोंट रिमेम्बर दैट इट वॉज आई हु फिक्स्ड अप योर रेलवे बुकिंग फॉर रांची, आई वेंट टू द स्टेशन टू सी यू ऑफ, वन ऑफ द फैंस इन योर कंपार्टमेंट वॉज नॉट वर्किंग, आई कॉल्ड एन इलेक्ट्रिशियन टू फिक्स इट, हैव यू फॉरगॉटन एवरीथिंग, वॉट एवर इज द मैटर विद यू, यू डोंट लुक टू वेल यू नो। अब यहाँ पे चुन्नी बाबू ने उनका टेस्ट भी किया मेमोरी का कि मेरी जॉब क्या थी, तो उन्होंने कहा आप ट्रेवल एजेंसी में काम करते थे, उन्होंने कहा आपको ये याद है कि मैं ट्रेवल एजेंसी में काम करता था, और ये याद नहीं है कि मैं ही तो था जिसने आपके लिए रांची में रांची जाने के लिए रेलवे बुकिंग कराई थी, और मैं आपको स्टेशन पे छोड़ने भी आया था, सी ऑफ करने भी आया था, और वहां पे जिस कंपार्टमेंट में आप बैठे थे रेलवे में वहां पे एक फैन भी काम नहीं कर रहा था, तो मैं एक इलेक्ट्रिशियन भी लाया था उसको रिपेयर कराने के लिए, तो हैव यू फॉरगॉटन एवरीथिंग, क्या तुम सब कुछ भूल गए, आखिर बात क्या है तुम्हारे साथ, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रही है। विपिन बाबू साइड इट सुख हिज हेड, विपिन बाबू ने आ भरी का सिर हिला दिया कि हाँ मैं ठीक नहीं कर रहा हूँ, यानी आई एम वर्किंग टू हार्ड, मैं बहुत ज्यादा मेहनत कर रहा हूँ इस वजह से मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है। ही सेड एट लास्ट दैट मस्ट बी द रीजन, मस्ट सी अबाउट कंसल्टिंग ए स्पेशलिस्ट, उन्होंने कहा मैं बहुत ज्यादा हार्डवर्क कर रहा हूँ तो हो सकता है इस वजह से मैं बहुत थक गया हूँ, मुझे किसी स्पेशलिस्ट को दिखाने की जरूरत है, यानी यहाँ पे किसी डॉक्टर को स्पेशलिस्ट से कंसल्ट करने की जरूरत है, सही में उनकी तबीयत ठीक नहीं लग रही थी उनको। डाउटलेस इट वॉज विपिन कंडीशन विच मेड चुन्नीलाल लीव विदाउट मेंशनिंग एनीथिंग अबाउट इट, अब विपिन बाबू की इस तरीके की कंडीशन देख के चुन्नीलाल तो बिना किसी जॉब की बात किए चले गए, उन्होंने कहा पहले इनकी तो तबीयत ठीक नहीं है, उनको कुछ याद ही नहीं आ रहा है राजू ट्रिप के बारे में, तो अब जॉब के बारे में बात तो करना बेकार है। अब यहाँ पे विपिन बाबू डॉक्टर के पास गए, एक फिजिशियन के पास, स्पेशलिस्ट के पास गए, उसका नाम क्या था, परेश चंदा। परेश चंदा वॉज ए यंग फिजिशियन विद ए पेयर ऑफ ब्राइट आईज एंड शार्प नोज, ही बिकेम थॉटफुल व्हेन ही हर्ड अबाउट विपिन बाबू सिम्टम्स, लुक डॉक्टर चंदा सेड विपिन बाबू डेस्परेटली, यू मस्ट क्योर मी ऑफ दिस हॉरिबल इलनेस, आई कांट टेल यू हाउ इट्स अफेक्टिंग माई वर्क। परेश चंदा जो यंग फिजिशियन थे उनकी ब्राइट आईज थी, शार्प नोज थी, और जब उन्होंने विपिन बाबू के सिम्टम्स सुने तो वो भी सोचने लग गए कि ये क्या केस है, और यहाँ पे विपिन बाबू बहुत ज्यादा क्योंकि निराश हो रहे थे, डिस्पेयर में थे, तो उन्होंने कहा देखिए डॉक्टर चंदा इस बीमारी से, इस खतरनाक हॉरिबल इलनेस से मुझे इलाज कीजिए, इसको इससे मेरा पीछा छुड़ाइए, मैं आपको बता नहीं सकता कि इस वजह से मैं कितना परेशान हूँ, मेरा काम भी इफेक्ट कर रहा है और मैं बहुत ज्यादा टेंशन में हुए हूँ, तो आप इस बीमारी से पीछा छुड़ाइए, इससे मुझे इलाज कीजिए इसका। तो विपिन बाबू क्योंकि बहुत ज्यादा परेशान थे, उन्होंने रिक्वेस्ट की कि मुझे इससे पीछा छुड़ाओ, इस बीमारी से, ये बहुत ही हॉरिबल इलनेस है और मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। डॉक्टर चंदा शुक हिज हेड, यू नो व्हाट मिस्टर चौधरी, आई हैव नेवर हैड टू डील विद अ केस सच एज योर्स, फ्रैंकली दिस इज क्वाइट आउटसाइड माई फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस, बट आई हैव वन सजेशन, आई डोंट नो इफ इट विल वर्क बट इट्स वर्थ अ ट्राई, इट कैन डू नो हार्म। डॉक्टर चंदा ने अपना सिर हिलाया और क्या बोला, देखिए मिस्टर चौधरी मैं इस तरीके का केस पहले कभी डील नहीं किया है, यानी आपका तो केस बहुत ही अनयूजल सा है, बहुत अजीब सा केस है और ये बिल्कुल मेरे एक्सपीरियंस से बाहर की बात है, क्योंकि मैंने इस तरीके का केस अपनी लाइफ में कभी नहीं देखा जिसमें
इंसान अपनी लाइफ का एक इंसिडेंट भूल गया। और समझ गए क्योंकि ये अनयूजुअल केस क्यों हुआ, क्योंकि विपिन बाबू को सब कुछ याद था, सिर्फ एक इंसिडेंट उनको याद नहीं आ रहा था रांची ट्रिप के बारे में। तो डॉक्टर चंदा भी यहाँ पे प्रेजेंट हो गए, वो भी कंफ्यूज हो गए कि उन्होंने अपनी लाइफ में इस तरीके का केस कभी नहीं देखा जिसमें जो पेशेंट है, जो पर्सन है, उसकी लाइफ का सिर्फ एक इवेंट उसे याद नहीं आ रहा है, बाकी उसको सब कुछ याद है। विपिन बाबू लेन फॉरवर्ड एंशियसली। अब वो यहाँ पे कह रहे हैं कि मैं आपको एक सजेशन देना चाहता हूँ, हो सकता है ये काम करे नहीं करे, मुझे ये पक्का पता नहीं है, लेकिन इसको करने में कोई नुकसान भी नहीं है, हम ट्राई तो कर ही सकते हैं। विपिन बाबू ने पूछा, हाँ क्या, जल्दी से आप मुझे बताइए। एज फार एज आई कैन मेक आउट, सेड डॉक्टर चंदा, एंड आई थिंक यू आर ऑफ द सेम ओपिनियन। अब यहाँ पे क्या सजेशन देते हैं वो भी, डॉक्टर चंदा यहाँ पे क्या सजेशन देते हैं हम ध्यान से सुनते हैं। यू मस्ट हैव बीन टू रांची बट ड्यू टू सम अननोन रीजन द एंटायर एपिसोड हैज स्लिप्ड आउट ऑफ योर माइंड। डॉक्टर कह रहे हैं कि आप रांची तो जरूर गए होंगे, लेकिन हो सकता है कुछ ऐसा रीजन हुआ हो, कुछ अननोन रीजन की वजह से पूरा के पूरा इवेंट आपके माइंड से स्लिप हो गया, यानी पूरा रांची ट्रिप आपको याद नहीं आ रहा है। व्हाट आई सजेस्ट इज दैट यू गो टू रांची वंस अगेन। मेरा सजेशन ये कि आप रांची वापस जाइए एक बार और। द साइट ऑफ द प्लेस में रिमाइंड योर ट्रिप, दिस इज नॉट इम्पॉसिबल। आप वहां जाएंगे, वहां की जो साइट्स है, वहां के सीन है आप देखेंगे तो जरूर आपको ट्रिप के बारे में याद आ जाएगा, और ये इम्पॉसिबल नहीं है, ऐसा हो सकता है। मोर देन दैट आई कांट डू एट द मोमेंट, इससे ज्यादा मैं आपकी कोई हेल्प अभी नहीं कर सकता हूँ क्योंकि आपका केस ही बहुत डिफरेंट है। और क्या डिफरेंट है कि आपको सिर्फ एक ट्रिप याद नहीं आ रहा है, बाकी आपको सब कुछ याद है। तो आप एक बार वापिस रांची चले जाइए, वहां पे जाने के बाद हो सकता है सब कुछ देख के आपको याद आ जाए। आई एम प्रिस्क्राइबिंग नर्व टॉनिक एंड ट्रांसफ्लेजर, स्लीप इज एसेंशियल और द सिम्टम विल गेट मोर प्रोनाउंस्ड। उन्होंने कहा मैं भी आपको एक नर्व टॉनिक और ट्रांसफ्लेजर एक मेडिसिन दे देता हूँ जिससे कि आपको टेंशन और स्ट्रेस से थोड़ा छुटकारा मिल जाएगा, और स्लीप जरूर लेना आप अच्छी, यानी रेस्ट जरूर है, आप आराम से सोइए, इसको नहीं तो इसके सिम्टम्स है बहुत ज्यादा और बढ़ जाएंगे। विपिन बाबू फेल समवॉट बेटर द नेक्स्ट मॉर्निंग। विपिन बाबू ने रेस्ट किया और नेक्स्ट मॉर्निंग थोड़ा सा बेटर फील कर रहे थे। आफ्टर ब्रेकफास्ट ही रैंग अप हिज ऑफिस, गेव सम इंस्ट्रक्शन एंड देन प्रोक्योर्ड ए फर्स्ट क्लास टिकट फॉर रांची फॉर द सेम इवनिंग। यानी विपिन बाबू ने डिसाइड किया कि जो डॉक्टर ने सजेशन दिया था वो सजेशन को फॉलो करेंगे और वो रांची जाएंगे। हो सकता है कि रांची जाने के बाद वापस से उनको कुछ याद आ जाए, क्योंकि डॉक्टर भी पजल था, उन्होंने भी यही सजेशन दिया। तो विपिन बाबू ने अपने ऑफिस में फोन करके कुछ इंस्ट्रक्शन दिए और एक फर्स्ट क्लास टिकट बुक कराया रांची के लिए, जो उनको थोड़ा डिफिकल्टी से मिला वो टिकट, और इस तरीके से वो रांची जाएंगे। तो हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे कि क्या रांची जाने के बाद उनको याद आ जाता है या फिर क्या होता है। तो सी यू नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर।